की नाम? अंजलि कुमारी। झूठ कुमारी झूठ बोलती है अंजलि कुमारी। तोहर की नाम है? इधर सुन। गाइस तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत काम है, वो बताएंगे कि आज सरस्वती जी को बैठाएंगे तो, और मूर्ति लेने जाना है मार्केट, और मार्केट से फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पे सजाना है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो में बने छत पे और देखते हैं आज का मौसम। बताए तो बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है, और कल रात को तो बारिश भी हुई। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी बहुत तो ठंड है और हवा भी चल रही है। तो चलते हैं अब नीचे, और नीचे नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर बहुत काम है। आपको वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। की नाम? अंजलि कुमारी। झूठ बोलती अंजलि कुमारी। झूठ बोलती अंजलि। तोहर की नाम है? इधर सुन। तो गाइस इससे नाम पूछते हैं तो ये डर के भाग रही है। मेरा नाम है अंजलि कुमारी। हाँ झूठ बोलती। मेरा नाम है अंजलि कुमारी। अच्छा बता कौन सा क्लास में ही, पहले बता। मैं अभी मैट्रिक क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, ये देखिए ये आयुष है और इससे मिलिए, बहुत ही अच्छा है, ये पढ़ता भी बहुत है। और ये मेरा भांजा है, क्या नाम है रे बुआ? बोलना क्या नाम है, बोला। ये कैमरा ऑन है ना, इसलिए ये शर्मा रहा है। हेलो गाइस, नाश्ता वास्ता खा के कम्प्लीट हो गए और अभी थोड़ा काम करना है, काम करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं सरस्वती पूजा के लिए ये बांस आया है, यहाँ पे इस जगह पे कटाएगा, और इसको देख सकते हैं ये पूरा एकदम लगा पड़ा है। आयुष कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा। अच्छा तो सरस्वती पूजा होगा, तुमको अच्छा लगेगा ना? मजा आएगा ना? प्रसाद यार खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? पेट भर के खिलाएगा। खाना पीना खा के कम्प्लीट हो गए हैं और अभी बज गए हैं 10, और अभी मार्केट वर्केट जाना है और बहुत कुछ काम है, तो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, हम यहाँ पे कुछ सामान लेने आए थे और ये बच्चा मेरा स्टूडेंट है, हम इसको पढ़ाते। नाम बताओ, क्या नाम है? नाम बताओ, बताओ नाम। देखो ये भी शर्मा रहा हमसे, कोई बात नहीं है। तो यार आपको बता दूं कि यार यहाँ पे बारिश हो रही है, देख सकते हो मेरे जैकेट पे, मैं कुछ सामान लेने आया था और बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है बारिश। गाइस यार बहुत यहाँ पे हवा चल रही है, बारिश का भी थोड़ा थोड़ा मौसम है। आयुष बहुत एक्साइटेड है कि मूर्ति आएगा सरस्वती जी का, तो ये बहुत ही खुश है। कितना खुश है बताओ? बहुत, हद से ज्यादा। मार्केट जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे दिखाएंगे सरस्वती जी का मूर्ति कौन सा लिए है, तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी घोरा ताप रहा है, देख सकते हैं। अरे तुमको थोड़ी ना बोल रहे हैं, बोलने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत जोरों की बारिश हो रही है। अरे मैया अरे मैया, इसके वजह से अभी तक मूर्ति लेने के लिए नहीं गए, और देखिए यहाँ पे कितने लोग जमा हो गए, सब बोल रहे हैं कि कब मूर्ति लाओगे, देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो बताओ कि बारिश हो रही है? हाँ बोले ना। हाँ हो रही है बारिश, इसलिए मूर्ति लेने के लिए नहीं ना जा रहे हैं। हाँ तो गाइस आप लोग सुन लिए, मूर्ति इसलिए नहीं लेने जा रहे हैं। देख सकते हो कि कितनी तेज से बारिश हो रही है, और एक यहाँ पे सरस्वती जी है, ये भी यहाँ पे भींग रही है, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। बारिश इतनी तेज हो रही है कि हम पता नहीं कब जाएंगे सरस्वती जी को लेने के लिए, बहुत तेज से बारिश हो रही है गाइस, बहुत तेजों से, देख सकते हो आप बहुत तेज से हो रही है बारिश। हेलो गाइस, तो ये पर्दा ये कैंची से अभी काट दिए हैं, और यहाँ पे थोड़ा छूट गया था इसलिए इधर यहाँ से और यहाँ पे पूरा पर्दा मारेंगे। गाइस तो जा रहे हैं यहाँ पे मूर्ति लाने के लिए, ठेला कर लिए हैं, देख लीजिए मेरा भाई ठेला हाँक रहा है। गाइस फाइनली हम यहाँ पे बाजार में आ गए हैं, और मूर्ति बाजार अभी तक नहीं गए हैं, मूर्ति बाजार बस यहाँ से थोड़ी दूर है और जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस ये सूरज है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है कि साथ में जा रहा है मूर्ति लेने के लिए। तो सूरज कुछ बताइए मेरे ऑडियंस को, क्या बोलिए ना। तो लेने आ गए लेकिन यहाँ पे बारिश भी पड़ रही है, और चलिए आपको मूर्ति दिखाते हैं। यही मूर्ति है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं मूर्ति के लिए, आप देख सकते हैं।
देख सकते हो मूर्ति ले लिए हैं और बहुत शाम हो गया है, धीरे धीरे चलते हैं फिर घर। गाइस रात के बज गए हैं 9, थक चुके हैं, बहुत काम किए हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर। गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय।